योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में रामनवमी के उपलक्ष्य पर विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने नन्ही कन्याओं के पैर धोए और उन्हें टीका लगाया, माला पहनाई और प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए अपनी उस बात की सफाई भी दी जिसमें उन्होंने कहा था कि राम तो घर घर में है और भारत के सांस में बसे हुए हैं। हम सबको विश्वास है कि भगवान राम की इसी शक्ति से आने वाले कुछ समय में हमें खुशखबरी भी सुनाई देगी। हम हृदय से आप सबका अभिनंदन करते हैं। इस पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि मेरा आशय वहां आयोजित होने वाले दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर था। पिछले 3 साल हम दीपोत्सव मना रहे हैं और इस बार और भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर हम उच्चतम न्यायालय का अभिनंदन करेंगे, उनके फैसले को अब सभी को मानना चाहिए। सैकड़ों सालों से चल रहे इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए और न्यायालय ने प्रत्येक नागरिक के मन में विश्वास पैदा किया है।